18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय राजनगर ने मनाया अपना 51वां स्थापना दिवस। इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय के कार्यवाहक कमांडेंट अमित कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल ने 51वां स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक कमांडेंट अमित कुमार कुशवाहा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यवाहक कमांडेंट ने कहा कि 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल का स्थापना 17 फरवरी 1971 को प्रशिक्षण केंद्र सलोनी वाड़ी आसाम में किया गया था। अधिकारीगण, मीडिया से आए हुए अतिथिगण, अधीनस्थ अधिनियर, साथी जवान, आज हमारी वाहिनी के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है क्योंकि आज दिनांक 17/2/2022 को 18वीं वाहिनी सशस्त्र बल अपनी 51वें वर्ष की सेवा राष्ट्र को समर्पित करते हुए अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके समस्त परिवारजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 18वीं वाहिनी की स्थापना 17/2/1971 को श्री एबी लिडल आईपीएस कमांडेंट के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण केंद्र सलोनीवाड़ी आसाम में 28वीं वाहिनी के रूप में हुई थी। इसे गुरिल्ला फौज को प्रशिक्षण देने के लिए हाफलोंग में स्थापित किया गया था और बाद में इस वाहिनी को ग्रुप सेंटर हाफलोंग के नाम से जाना गया था। कारगिल युद्ध के पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश के आधार पर एसएसबी को भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की निगरानी का कार्य सौंपा गया। इसी क्रम में ग्रुप सेंटर हाफलोंग को 18वीं वाहिनी के रूप में परिवर्तित किया गया तथा इसे बीरपुर जिला सुपौल बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर ड्यूटी के लिए दिनांक 24/12/2022 से तैनात किया गया। तब से दिनांक 20/2/2015 तक वाहिनी बीरपुर में भारत नेपाल सीमा पर तैनात रही। बल मुख्यालय के नीति अनुसार 18वीं वाहिनी को 45 वाहिनी के साथ नियमित रोटेशन हुआ और 18वीं वाहिनी विजयपुर दुमका में दिनांक 21/8/2015 से 15/10/2017 तक नक्सली विरोध अभियान में इस अवधि के दौरान वाहिनी ने 29 नक्सली, 7 अपराधी की गिरफ्तारी के साथ 2 नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया। साथ ही साथ 6 हथियार जिनमें 4 पिस्टल, 1 SLR और 1 स्टेन गन तथा गोला बारूद जिसमें एम्यूनिशन 88, एक्सप्लोजिव स्टिच 421, डेटोनेटर 29,790, अमोनियम नाइट्रेट 160 kg, नक्सली साहित्य और 35,97,480 रुपये की नकदी नक्सलियों से बरामद की। इसी दौरान 10 अक्टूबर 2015 को 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल दुमका के ए कंपनी डमरू और झारखंड पुलिस के संयुक्त नक्सल अभियान में झारखंड राज्य के गोड्डा जिला के सुंदरदाणी थाना क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान हमारे एक वीर साथी जवान आरक्षी सामान्य संजीव कुमार ने नक्सलियों से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी वीरता को मान देते हुए मरणोपरांत आरक्षी सामान्य संजीव कुमार को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। बल मुख्यालय के निदेशक अनुसार 2 वर्ष और लगभग 2 महीने नक्सल विरोधी अभियान में तैनात के बाद पुनः 18वीं वाहिनी की नियमित रोटेशन 35वीं वाहिनी से हुआ। इस प्रकार 18वीं वाहिनी राजनगर मधुबनी बिहार में पुनः